क्या आपको भूत से डर लगता है? क्या आप भूतों को मानते हैं? यकीन कीजिए कि आप ऐसे पहले शख्स नहीं हैं जिन्हें भूत होने पर यकीन है। दुनिया की हर संस्कृति में भूत के अस्तित्व की बात की जाती है, यहाँ तक कि हॉलीवुड की द कंजूरिंग सीरीज हो या फिर एक्सर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी फिल्म। दावा किया जाता है कि ये फिल्में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। ज्यादातर लोग आत्माओं और मौत के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हम आए दिन भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं, लेकिन भूतों को लेकर विज्ञान का अलग ही तर्क है। साल 2019 में इप्सोसिस पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों का ये तक मानना था कि वो वैम्पायर्स पर भी विश्वास करते हैं। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भी विश्वास करते हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी मशहूर यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरतअंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब चौंकाने वाले इंसिडेंट होते हैं, जैसे दरवाजों का खुद से खुल जाना या फिर बंद हो जाना, चाबी का गायब हो जाना, मृत रिश्तेदारों का दिखना या फिर सड़कों पर खुद ब खुद परछाइयों का बन जाना। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वास्कुल ने साल 2016 में इसी पर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था घोस्टली इनकाउंटर्स द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में ये बात सामने आई थी कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत देखा भी था या ये पैरानॉर्मल या फिर परालौकिक घटनाएं हुई भी थी या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो भूत की पारंपरिक इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें या घटनाएं महसूस की जिनको समझना मुश्किल है। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे कि पोल्टर जिस्ट मतलब डरने वाला भूत, रेसिडुअल हॉन्टिंग यानी कि अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स यानी कि बुद्धिमान आत्माएं, और शेडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों को कई प्रजातियों में बांट दिया है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी कि क्या ये दीवारों, लोहे की चीजों या फिर किसी मजबूत जगह के बीच में से निकल सकती हैं, वो भी बिना उन्हें बिगाड़े, या फिर वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज दूसरी जगह फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं और कई तर्क भी फिजिक्स के फॉर्मूले से देखे तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो फिर वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं? उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं? जिन लोगों का मर्डर हो जाता है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को जरिया बनाकर मामले की जांच करवाती हैं। भूतों को पकड़ने या मारने वाले घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाया जा सके, लेकिन मौजूदा वक्त में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता लगाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो के पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिखाई देते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। भूत असल में होते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी खोजा नहीं गया है। इसके लिए नए प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो, ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे हो सकता है कि दो वजहें हों, कि भूत होते ही नहीं हो, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम हो, दूसरा कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सकें।